नमस्कार, गुड फूड में आपका स्वागत है। आज हम एक्लेस वनीला कपकेक्स बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कप मैदा लिया है, हमने शुगर को मिश्री से रिप्लेस किया है 3/4 कप, और हमें चाहिए 3/4 कप दूध, 1/4 कप बटर, 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस और थोड़े ड्राई फ्रूट्स। हम एक मिक्सिंग बाउल में बटर ऐड करेंगे, इसके बाद मिश्री का पाउडर ऐड करेंगे। दोनों को अच्छे से एक विस्कर की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर अच्छा स्मूथ बन गया है। अब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऐड करने से ये क्रीमी टेक्सचर आएगा कपकेक्स का। हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके थिक कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे। ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और थोड़ा वेनिला एसेंस। वैसे तो कपकेक्स नॉर्मली ही टेस्टी रहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को ऐड किया है। चाहे तो आप टूटी फ्रूटी या चॉको चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। हमारा बैटर बन गया है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। हमने एक मोल्ड में पेपर कपकेक्स लगाया है। अब इसमें बैटर फिल कर लेंगे, बस आधा से थोड़ा ज़्यादा। अब ये मोल्ड्स को अवन के अंदर रख के बेक करेंगे। हमने ऑलरेडी प्री हीट किया है 180 डिग्रीज 10 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए बेक करेंगे तो हमारे कपकेक्स बनके तैयार होंगे। हमारे कपकेक्स बनके तैयार है। देख रहे हैं कितना परफेक्ट कलर आ गया इसका। देखे हमारे कपकेक्स कितने सॉफ्ट बने हैं। देखा ना आपने, हमने कितने कम समय में डेलिशियस एगलेस कपकेक्स बनाया है। आप भी इसे बना के खाइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्थी रेसिपीज़ के लिए हमारे गुड फूड को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।